पढ़ाई खाने से अगर नौकरी मिलती ना तो आज सबके पास नौकरी होती, पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत है। आप फोन रखो यार, बाद में फोन करता हूँ आपको मैं। अरे भाई साहब फोन साइलेंट कर लीजिए। सॉरी। हेलो, अरे क्या हुआ इन्हें, तबीयत खराब है क्या? क्या हो गया इसे, क्या बीमारी है, ब्रेकअप हो गया क्या? यार दिक्कत थी तो इंटरव्यू देने क्यों आए? भाई साहब ले जाइए बाहर। क्या मजाक है यार, ऑफिस में इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ पे रोना धोना मचा रखा है आदमी ने। चंदन क्या हो रहा है यहाँ पर? सर वो अचानक से ये भाई साहब रोने चिल्लाने लगे, पूछ रहे हैं कुछ बता भी नहीं रहे। सर कुछ नहीं हो रहा, वी कैन हैंडल, आप इन्हें बाहर ले जाइए। आप कौन? माई सेल्फ विवेक सर, बिग फैन ऑफ योर हार्डवर्क। इंटरव्यू देने आए हो? यस सर। क्या हुआ? देखो कुछ बोलोगे नहीं तो मदद कैसे करें? देखो जब तक कुछ कहोगे नहीं तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। बीमार हो, पैसे चाहिए, क्या हुआ? सर हमने भी पूछने की कोशिश करी, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे कुछ बताओगे क्या हुआ है? मेरे पापा खत्म हो गए। हेलो बेटा। सॉरी पापा। दिशा दिखलाती है सड़क, मेरी कश्मकश से अपना मन बहलाती है सड़क।
ठहर कर उल्टे कदम फिर अपने घर ले जाती। एक बाप का साया वो आसमान है जिसमें बच्चों के सपनों को पर मिलते हैं, पर अक्सर इसका एहसास बच्चों को बाप के जाने के बाद ही क्यों होता है।